इस देश की सुप्रीम कोर्ट और इस देश की तमाम हाई कोर्ट उनको पूरी तरह से उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अब आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, जितना अपना दम हो आप लगा लीजिए, अदालत से आपको कोई भी न्याय मिलेगा नहीं। इस देश के तमाम बहुजन समाज को, जिसकी संख्या लगभग 120 करोड़ है, उसको पूरी तरह से अधिकार विहीन कर गुलाम बनाकर अपने तल में चकवाना चाहती है मोदी सरकार, इसके लिए काम कर रही है। और मैं सीधे सीधे कहता हूं कि मोदी सरकार अगर अपने लक्ष्य में, लक्ष्य को पाने में सफल हो गई तो आप मान लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र हमेशा के लिए खत्म और राजतंत्र स्थापित होगा। तो मैं अपने वकील भाइयों से, साथियों से पूछता हूं कि अगर राजतंत्र स्थापित हो गया तो फिर इन अदालतों की क्या जरूरत है? राजतंत्र तो पुलिस से, थाने से चलता है, अदालतों से नहीं चलता। राजा ने आदेश कर दिया, पुलिस वाले हैं लागू करने के लिए, और वो लागू होते हैं, कोई सुनने वाला आपकी होगा नहीं, क्योंकि राजतंत्र सुनवाई तो लोकतंत्र में होती है। तो जब अदालतें बंद हो जाएंगी तो वकालत कहां से चलेगी? तो जो काला कोट पहनकर हम अपने आप को समझते हैं कि हम वकील हैं, गुंडी पर नहीं टिक जाएगा, तो क्या ये चीज सामने दिखाई नहीं दे रही? एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक कदम बहुत ही सधे तरीके से और बहुत ही नियमित तरीके से मोदी सरकार इस देश के तमाम ऐसे संस्थान, तमाम संविधान की व्यवस्थाएं सबको धीरे 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 खत्म करती चली जा रही है, और एक एक करके उसने हर चीज को अपने हाथ में ले लिया है, कंट्रोल। जिसमें सबसे बड़ी जो ताकत है, हम लोग क्योंकि वहां पे हैं तो देखते हैं, इस देश की सुप्रीम कोर्ट और इस देश की तमाम हाई कोर्ट, उनको पूरी तरह से उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अब आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, जितना अपना दम हो आप लगा लीजिए, अदालत से आपको कोई भी न्याय मिलेगा नहीं। आप कह रहे हैं कि एक पिटीशन फाइल हुई है जिसमें दो शब्दों को संविधान की प्रीएम्बल से हटाने की बात कही गई है, पथ निरपेक्ष और समाजवाद, समाजवादी। हालांकि ये शब्द जिस समय बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस समय थे नहीं, इनकी जरूरत भी नहीं थी। ये शब्द जो जोड़े, इनके साथ में एक और शब्द जोड़ा गया, वो ये तीन शब्द जोड़े गए संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से, श्रीमती इंदिरा गांधी जिस समय प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने जोड़े। तो ये हट भी जाए तो भी क्या फर्क पड़ेगा, और ये रहे भी तो भी क्या फर्क पड़ेगा? आप बताओ क्या है? संविधान में तो सारी व्यवस्था है, संविधान में तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को जब आप पढ़ते हैं तो सरकारों को बाकायदा आदेश है, सुझाव नहीं है, सलाह नहीं है, आदेश है। जब हम अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक पढ़ते हैं, विशेष रूप से 38, 39, 41, 43, जब हम इनको पढ़ते हैं तो आदेश है कि समाज के लिए आपको ये काम करना है ताकि देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, कल्याणकारी सरकार की स्थापना हो सके। और वर्ड यूज हुआ, शब्द जो इस्तेमाल हुआ है इंग्लिश में शैल है। शैल मींस मैंडेटरी, द स्टेट शैल। अगर मैं होता स्टेट में तो उसके लिए होता कि वो चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल है वो शैल है। बाबा साहब ने एक एक शब्द, एक एक चीज बहुत सोच समझ के इस्तेमाल की, उसका असर कितना गहरा कहां होगा जब व्याख्या होगी तब समझ में आती है। लेकिन उस सब के बावजूद भी कुछ भी सरकार कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने जब हम सबको अपनी शिक्षाएं, जो जीवन में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया,
और हम सबको बताई उस रास्ते पर हम सबको ले जाने के लिए बात की। तो उन्होंने एक बात की, मतलब चार, एक तरह से कहेंगे कि वो चार आर्य सत्य जिन्हें हम बोलते हैं, उसमें उन्होंने एक बात कही कि दुख है, ये सत्य है, दुख है, और ये दुख इसका कारण है, बिना कारण में नहीं है। इस धरती पे जो भी कुछ होता है वो किधर किसी ना किसी कारण से होता है, और जो हो रहा है उसका कोई ना कोई परिणाम होगा। तृतीय समुद्र बुद्धिज्म में इसको बोलते हैं। तो उसका कारण है दुख का, और उस कारण का निवारण है, समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान का उन्होंने रास्ता बताया कि आर्य अष्टांगिक मार्ग। ठीक इसी तरह से हम अब वर्तमान इस चीज को देखते हैं, संविधान खतरे में है, सच सत्य है, कारण भी है इसका, क्यों है, सीधे शब्दों में बोलते हैं, लाकर पेट करके कायको मनुवाद रही, कहते हैं भैया बीजेपी है और बीजेपी भी छोड़ो मोदी है, आरएसएस है, इसलिए देश का संविधान खतरे में है। अब समाधान क्या है, तो समाधान इसका यह है, कारण हो गया दुख, हो गया दुख का कारण हो गया समाधान, समाधान यह है इन्हें उखाड़ कर फेंक दो, बीजेपी को और मोदी को उखाड़ कर फेंक दो, समस्या का समाधान हो जाएगा। उखाड़ेंगे कैसे, अभी आगे चौथी बात पे, उखाड़ेंगे कैसे, तो 2024 का चुनाव आ रहा है, सबको सिर्फ वही दिखना चाहिए, केवल कोई संगठन कोई और बाकी चीज इधर उधर की किसी को नजर नहीं आनी चाहिए, सारा काम इसी बात के लिए होना चाहिए कि 2024 में कैसे हम इनको उखाड़कर फेंकते हैं। अगर नहीं फेंकेंगे तो संविधान की तो बात छोड़िए, संविधान भी नहीं बचेगा, लोकतंत्र भी नहीं बचेगा, गणतंत्र भी नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा, इस देश के तमाम बहुजन समाज को जिसकी संख्या लगभग 120 करोड़ है उसको पूरी तरह से अधिकार विहीन कर गुलाम बनाकर अपने तलवे चकवाना चाहती है मोदी सरकार, इसके लिए काम कर रही है। तो हमें सोचना ये समस्या उनकी नहीं है, समस्या हमारी है कि हम इतनी बड़ी संख्या में होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। अगर हम इकट्ठे होकर फूट मार दें तो वो कैसे उड़ जाएंगे उनका पता भी नहीं लगेगा, लेकिन हम इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे हैं, एक लक्ष्य के लिए तो हो जाए, अरे बाद में जो जिसे जो करना है कर लेना, हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ा खतरा है उसको तो हम टारगेट करें। मैं अभी नमन भाई आप जान के बड़े हैरान होंगे, आप साथी सागर में करीब हफ्ते भर पहले एक प्रोग्राम था इसी संडे को, वहां वो था लोधी समाज की बिटिया 13 साल के उसके साथ बलात्कार ब्राह्मण लड़के ने किया, उसमें आंदोलन हो रहा और बड़ा जबरदस्त आंदोलन वहां पे मध्य प्रदेश में चला, पूरा ओबीसी समाज जिसमें हर कोई है, गुर्जर भी है, यादव भी है, लोधी भी है, कुशवाहा भी है, कश्यप भी है, और एससी एसटी सब तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो मुझे भी इन्वाइट किया, मैं वहां गया सागर में, मुझे वहां जाके जब सारी चीजें देखी और भी गहराई से जानने की कोशिश करी तो मुझे पता लगा, अब आप देखिए कि कमी किसकी है, 16% तो वहां पर एससी है, 16% हिसाब लगाइए थोड़ा सा, 22% वहां पर आदिवासी यानी एसटी है, 38% तो 50% वहां पर ओबीसी है, तो कितने होंगे, इसके अलावा 6.5% वहां पर मुसलमान है, टोटल मिला के 95% हो गए, यानी 5% लोग रह बगैर, 5% लोग पिछले 72 सालों से इतनी बड़ी आबादी पर हुकूमत कर रहे हैं। तो गलती किसकी है साथियों, स्वाभाविक, हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि कारण जो है उसमें मेन कारण क्या है, मेन कारण पाएंगे कि हम ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम तरीके से समझ जाए बातों को
अगर हम इकट्ठे हो जाए तो किसकी मजाल है हम पर हुकूमत कर जाए, कोई नहीं कर सकता।